देखा आपने सेहतमंद रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जॉगिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, जिम जाना, यहाँ तक कि डाइटिंग भी करना और भी पता नहीं क्या कुछ। खैर, जरूरी भी तो है। कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, हर कोई स्वस्थ और खुशहाल दिखना चाहता है, लेकिन रुकावट है कहाँ? जरा सोचिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। सब कुछ होते हुए भी अगर हम खुशहाल नहीं दिख पा रहे हैं तो इसके पीछे जो वजह है वो है हमारी जड़ों से हमारा अलग हो जाना। कोई भी पेड़ जब जड़ से अलग हो जाता है तो वो सूख जाता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम अपनी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए विदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं। हमारा अल्प ज्ञान हमें प्राकृतिक वस्तुओं की खासियत तक पहुंचने ही नहीं देता। हम ये समझ ही नहीं पाते कि प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुएं ही हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकती हैं। मनुष्य के जीवन में सात सुख माने जाते हैं, जिसमें सबसे प्रथम सुख निरोगी काया को माना गया है। अगर मनुष्य का शरीर निरोगी रहेगा तभी वो जीवन में अपने अन्य दायित्वों को निभा सकेगा। पर क्या वर्तमान में निरोगी काया जैसा प्रथम सुख पाना संभव है? जी हाँ, आज जहाँ मनुष्य वक्त से आगे भागने की कोशिश कर रहा है, जिसे कम समय में अधिक पाने की लालसा है, जो मनुष्य कम और मशीन अधिक बनता जा रहा है, मनुष्य भले ही 21वीं सदी में प्रवेश कर गया हो, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा हो, पर सच तो ये है कि एक अनदेखा विष उसकी जिंदगी में धीमे धीमे घुल रहा है। हर जगह मिलावट है, चाहे वो वायु हो, जल हो या फिर खाद्य सामग्री, सभी कुछ तो अशुद्ध है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, तनाव, डिप्रेशन, हृदय संबंधी रोग, पेट एवं त्वचा संबंधी रोग जैसी बीमारियां वर्तमान में मनुष्य की जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। इस स्थिति में प्रथम सुख निरोगी काया की कल्पना भी कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में बहुत कुछ ऐसा दिया है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या कुछ छुपा है आखिर आयुर्वेद के खजाने में, आइए आपको बताते हैं। धरती की प्रकृति और पंचभूत यानी धरती को बनाने वाले पांच तत्व इस स्थूल शरीर में व्यक्त होते हैं। अगर आप इस शरीर को सबसे असरदार और उपयोगी तरीके से रखना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस शरीर के साथ जो भी करें उसका इस धरती के साथ संबंध हो। और आयुर्वेद एक ऐसा ही माध्यम है जो हमें प्रकृति के बहुत करीब लाता है। आयुर्वेदिक प्रणाली भारत की सबसे प्राचीन खोज है। ये वो बहुमूल्य खजाना है जिससे भारत संपन्न एवं समृद्ध है। भारतीय धरा वो अलौकिक भूमि है जहाँ अनेकानेक जड़ी बूटियाँ औषधियाँ भरपूर रूप से विद्यमान है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके चमत्कारिक गुणों को समझा और उन्हें अपने जीवन में उतारा। उनके निरोगी, कांतिमय एवं आयुषवर्धक होने का यही गुण रहस्य था कि वे अपने जीवन में आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकारते थे। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है कि हम आज भी भारत देश में मौजूद इस अमूल्य धरोहर से अनभिज्ञ हैं। हम भागते तो हैं रंग बिरंगे पैकेटों में मौजूद सेहत को बर्बाद कर देने वाले उत्पादों के पीछे। बढ़ते बाजारवाद के चलते लोगों को लुभावने विज्ञापन दिखाकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। शीघ्र असर करने वाले उत्पादों के चक्कर में हम तरह तरह के केमिकल्स के प्रयोग से आने वाली शारीरिक समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं। पर कब तक
आखिर कब तक हम यूं ही आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे? क्यों हम जुबां बंद कर बाजारवाद की इस अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं? कुछ ऐसे ही प्रश्न थे जिनका जवाब तलाशना जरूरी था, और इसका जवाब हमें मिल गया युग ऋषि के रूप में। हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा है, सभी सुखी रहें, रोग मुक्त रहें, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी सोच को साकार करने और भारत की प्राचीन धरोहर आयुर्वेद का लाभ जन जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य से मई 2016 को परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के असीम आशीर्वाद एवं सानिध्य में युग ऋषि ग्लोबल हेल्थ केयर फाउंडेशन की नींव रखी गई। इस कंपनी में MD का दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी गुरुश्री ने डॉक्टर दीदी के मजबूत कंधों पर दी है। इससे पूर्व जन कल्याणार्थ एवं प्राकृतिक चिकित्सा की जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुश्री द्वारा युग ऋषि आरोग्य धाम की स्थापना की जा चुकी है। हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत समय से कार्य कर रहे थे और 16 वर्ष से हो गए हम लोगों ने करुणा सिंधु हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा की है और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी हम लोग हॉस्पिटल चलाते रहे। 3 वर्षों से हमने आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोला। उसके बाद हमें पूरे देश के भारत वर्ष के बड़े बड़े अच्छे वैद्य और विद्वान लोग आयुर्वेद के जो है वो मिलते रहे, और उसके बाद में एक विचार हुआ कि क्यों ना हिमालय की बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ उन सबको साथ लेकर और योग्य विद्वानों के द्वारा चुने गए नुस्खे लेकर हम आयुर्वेद के प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाएँ। और उसी का परिणाम ये हुआ कि हरिद्वार में हमारे इस कंपनी जिसको हम कहेंगे युग ऋषि आयुर्वेद, इसकी तरफ से ये कार्य शुरू हुआ, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनने शुरू हुए। इसी में हम लोगों ने जहां दवाइयां बनानी शुरू की, खांसी से लेकर के आपके शुगर को दूर करने के लिए, लीवर को स्ट्रांग करने के लिए लीव स्ट्रांग बनाया, खांसी के लिए कास केसरी बनाया, इसी तरह से जो है शुगर के लिए मधुसूदनी रस बनाया, और आंवला एलोवेरा बहुत शुद्ध तरीके से उसके सारे विष हटा करके वो तैयार किया। ये सारी चीज़ें आपका फेस सुंदर बनाया जा सके तो एलोवेरा जेल से लेकर के और फेस वाश तक सब चीज़ें हम लोगों ने तैयार की। सारी चीज़ें बहुत सोच समझ करके की गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने चंदन का, नीम का, हल्दी का मिश्रण करा करके और बहुत अच्छे तेल मिला करके साबुन तैयार करवाया। अब क्यों हम लोगों को साबुन बेचने की आवश्यकता है? मैं बताना चाहता हूं आपको, सुबह सुबह आदमी स्नान करके आए चर्बी वाले साबुन से पवित्र होगा वो? आप पवित्र होकर के हम भगवान के दर पर बैठना चाहते हैं? पवित्रता आएगी चंदन से। शुद्ध तेल मिला करके, ग्लिसरीन मिलाकर, शुद्ध चीजें डालकर जो लोग बनाए साबुन बनाए और उससे स्नान करके पवित्र होकर के व्यक्ति अपने घर के मंदिर में जाके बैठे, देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। युग ऋषि ग्लोबल हेल्थ केयर फाउंडेशन कंपनी का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को सेहत का वरदान देना है। युग ऋषि ग्लोबल हेल्थ केयर फाउंडेशन आयुर्वेद पद्धति को आधार बनाकर कई ऐसे शोध में जुटा है जिसमें मानव कल्याण निहित है। इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए युग ऋषि ग्लोबल हेल्थ केयर फाउंडेशन ने कई ऐसे उत्पाद बाजार में उतारे हैं जो पूर्णतः आयुर्वेदिक हैं। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित युग ऋषि द्वारा प्रकृति की गोद से चुन चुन लाई गई जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाए जाते हैं एकदम शुद्ध उत्पाद। ये उत्पाद मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़े हैं। युग ऋषि शुभ्र दंती टूथपेस्ट, पीड़ा नाशक ऑयल, युग ऋषि हनी, युग ऋषि एलोवेरा जेल, युग ऋषि चंदन सुधा सोप, युग ऋषि केश आरोग्य शैम्पू, युग ऋषि पाचक चूर्ण जैसे
दैनिक जीवन से जुड़े कई उत्पादों का युग ऋषि ग्लोबल हेल्थ केयर फाउंडेशन निर्माण कर रहा है। उत्पादों के निर्माण में साफ सफाई एवं शुद्धता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। युग ऋषि ग्लोबल हेल्थ केयर फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन GMP संस्था से सर्टिफाइड कंपनी है, जो ये प्रमाणित करती है कि युग ऋषि के सभी हर्बल उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक एवं शुद्ध हैं। जी हाँ, चाहे वो औषधि हो या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद, सभी के निर्माण में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनने वाली औषधि और उत्पाद पावन गंगा के किनारे बसे हरिद्वार की फैक्ट्री में निर्मित होते हैं, बिल्कुल शुद्ध एवं प्राकृतिक माध्यम से। इस फैक्ट्री में युग ऋषि के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जबकि विदेशी प्रोडक्ट जिन्हें आप अपनाते हैं वो मिलावटी, अशुद्ध और कीमत में भी अधिक हैं। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि सेहत का वरदान, स्वस्थ रहने का दूसरा नाम युग ऋषि। शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित युग ऋषि के आयुर्वेदिक औषधि और हर्बल उत्पाद अपनाएं, रोगों को जड़ से मिटाएं, मिलावटी विदेशी उत्पाद छोड़कर स्वदेशी अपनाएं।